नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए कुर्ती का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूँ। ये डिजाइन जो हम तैयार करेंगे, हाई नेक के साथ में तैयार करेंगे, कॉलर वाला डिजाइन होगा और इसमें पाइपिंग का काम करेंगे, जिसके लिए हमने व्हाइट कपड़ा लिया हुआ है, और इसमें हम एंकर का काम करेंगे, जिसके लिए हमने एंकर के धागे लिए हुए व्हाइट कलर के। बहुत ही प्यारा सा हम यहाँ पे आपको डिजाइन तैयार करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम साइज जान लेते हैं, क्योंकि साइज यहाँ पे जानने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें डिजाइन बनाना है। जो हमारा ब्रेस्ट का नाप है यहाँ पे है ये 19 इंच, 9.5 इंच हमने लिया है, तो ये है 19 इंच। और जो हमारा आर्मोल हमने कटिंग किया हुआ है, ये कटिंग किया है 7.5 इंच। शोल्डर की बात करें, शोल्डर कटिंग किए हुए हमने 15 इंच, 7.5 इंच लिया हुआ है। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ये कटिंग किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमें हाले का कटिंग का निशान लगाना होता है, जो कि हम 2.75 इंच पे लगाएंगे, और इस साइड से जो रखेंगे यहाँ पे 3.25 इंच रखेंगे, ये हमारा हाला हो जाता है। लेकिन अभी हमें इसको कटिंग नहीं करना है, हमें डिजाइन ही करनी है। हम इस निशान से बाहर की साइड एक निशान लगाएंगे 2 इंच का, और ऊपर से जितना भी हमने यहाँ पे डीप रखना होता है, गला खोलना होता है, उतने ही डीप तक हमारा यहाँ पे डिजाइन आता है। तो ये जो हम डिजाइन बनाएंगे 9.5 इंच तक बनाएंगे, और जो हमने यहाँ पे ब्रॉड लेंथ का निशान लगाया, जैसे टोटल 5 इंच आता है, तो यहाँ पे भी हम 5 इंच लगाएंगे। इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से इस घेर में कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे। अब हमें यहाँ पे कटिंग करनी होगी, एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये दोस्तों जो हमने गोलाई वाला पीस अलग निकाला है, ये हमें यहाँ पे जो लगाना होता है, लगाना सेम कलर का है, लेकिन इस पीस के ऊपर हमें पिनटेक्स का काम करना है, और सेंटर में कुर्ता पट्टी जो होती है उसका काम करना है। कुर्ता पट्टी लगाएंगे और साइडों में पिनटेक्स का काम करेंगे। तो दोस्तों, इसको डिजाइन को आगे तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने इस पीस को तो अलग कर देते हैं, ये वाला जो पीस कटिंग किया है, ये वाला, इसको हम यहाँ पे दोबारा से इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और तकरीबन तकरीबन लेंथ में 1.5 इंच फालतू लेंगे इस तरीके से, और जो चौड़ाई है हमारी, चौड़ाई में लेंगे कम तकरीबन तकरीबन 3 से 3.5 इंच। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा ले ले, ये बाद में उतना ही यूज होगा जितना हमें चाहिए होता है। इसका हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना लेते हैं ऊपर नीचे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारा हाला कटिंग होगा, और ये पीस हमारा यहाँ पे अटैच होगा, जो हमारा फ्रंट है इसमें यहाँ पे इस तरीके से अटैच होगा ये। लेकिन इसमें पहले हमें डिजाइनिंग करनी होगी, और यहाँ पे लगानी होगी पाइपिंग। तो इसके लिए हमें मशीन के ऊपर चलना है, और सीखते हैं डिजाइन बनाने का तरीका। स्टिचिंग में दोस्तों, सबसे पहले जो हमने ये पीस कटिंग किया हुआ है, इसमें हमें कुर्ता पट्टी बनानी होती है। तो ये हमें फेंकना नहीं होता, ये तो हमें फरमे के तौर पे यूज करना होता है। अभी इसको अलग रख लेते हैं, और इससे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग किया हुआ है, ये वाला, इसका सबसे पहले हम सेंटर से ऐसे कट कर लेंगे, और ये जो सीधी साइड है, इसमें एक साइड हमें बटन टेक लगानी है, जिसके लिए बटन होते हैं, और एक साइड काज पट्टी लगानी होती है। तो यहाँ पे हम बटन टेक कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हमने ये 2 इंच की पट्टी ली हुई है इस तरीके से, ये हमारी इस साइड में आएगी बटन के लिए, और काज के लिए जो होते हैं वो हमने कुर्ता पट्टी की तरीके से तैयार की हुई है पट्टी। ये हमारी पट्टी ऐसे होगी, इसकी चौड़ाई तैयार 1 इंच की है, और इसको बनाने का तरीका होता है, टोटल हम इसकी जब चौड़ाई कटिंग करते हैं तो 3 इंच की करते हैं इस तरीके से, फिर 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा ऐसे फोल्ड लगाते हैं, फिर जितनी पट्टी की चौड़ाई हमें तैयार रखनी होती है उतनी तैयार रखते हुए हम प्रेस से अच्छे से सेट करते हैं। तो ये आएगी हमारी इस साइड, और ये आएगी इस साइड में।
सबसे पहले हम यहाँ पे बटन पट्टी तैयार करते हैं, ऐसे रखेंगे आधा इंच का या एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे इस तरीके से मार्जिन फोल्ड करते हुए ऐसे थोड़ी एक्स्ट्रा पट्टी निकालेंगे और यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे दोस्तों बटन पट्टी हमने इस तरीके से अपनी तैयार कर ली है, जैसे आप देख पा रहे हो। अब हमें यहाँ पे काज पट्टी तैयार करनी है। तो काज पट्टी तैयार करने के लिए जो हमने यहाँ पे मार्जिन छोड़ा हुआ है ये हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे आधा इंच चौड़ाई वाली। अब हम इसको पलटते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से हमारी ये काज पट्टी तैयार हो जाती है। अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे जहाँ पे हमारे इस सेंटर में काज आने चाहिए और ये हमारी ऐसे बंद होनी चाहिए पट्टी। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ये काज पट्टी अपनी तैयार कर ली है। ये हमने कच्ची सिलाई लगाई है जो कि हमें बाद में खोलनी होती है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है ये हमारी सिर्फ कच्ची सिलाई है। अब हमें इसमें पिनटेक्स का काम करना है, तो पिनटेक्स के काम के लिए हम धागा डाल लेंगे एंकर का। दोस्तों यहाँ पे हमने धागा डाल लिया है एंकर का नीचे फिरकी में, बाविन में ही धागा चलता है एंकर का। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक निशान लगाना है 1 इंच की दूरी पे। इस तरीके से 1 इंच की दूरी पे लगाएंगे और इस पट्टी से इस साइड में भी 1 इंच की दूरी पे लगाएंगे ऐसे। और यहाँ पे एंकर का जो काम करेंगे ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। हम देखेंगे तो हमारा बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे डिजाइन आता है बनके। इस साइड में भी हम सेम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा एंकर का धागा आएगा वो इस साइड को पलटने के बाद ऐसे आना चाहिए, तो हमें इस साइड से सिलाई लगानी होगी। ये हमारी सेंटर वाली पट्टी होगी जिस पे हमें बटन लगाने होते हैं और दोनों साइड हमने एक एक सिलाई यहाँ पे लगाई है। अब हमें यहाँ पे बराबर बराबर गैप रखना है, फिर से हम 1 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस निशान के ऊपर हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड लगाते हुए फिर से सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पे हमने दूसरा पिन टैक्स डाल लिया है। फिर से हम यहाँ पे एक इंच का गैप रखेंगे। अगर आप गैप कम ज़्यादा रखना चाहें तो यहाँ पे कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। दोस्तों तीन पिनटेक्स हमने इस साइड में डाल लिए हैं, ज़्यादा पिनटेक्स की ज़रूरत नहीं है। तीन इस साइड में हो जाएंगे, तीन इस साइड में हो जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से एक एक इंच का गैप रखते हुए इस साइड में भी बाकी के पिनटेक्स कंप्लीट करते हैं। दोनों साइड में दोस्तों हमने यहाँ पे पिनटेक्स अपने डाल लिए हैं। बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन तैयार हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमने ये राउंड शेप का पीस कटिंग किया था इसको हम सेंटर पॉइंट में रखते हैं ऐसे, और ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से मिला लेंगे। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पे निशान लगाने होते हैं। जो हम निशान लगाएंगे, निशान तो हम यहाँ पे जैसे तैयार तो यहाँ पे आता है, लेकिन ये हमें बढ़ाना पड़ता है क्योंकि जो हमने यहाँ पे ये पीस कटिंग किया हुआ है, ये वाला जो ये पीस यहाँ से कटिंग किया था ऐसे, अब इसका भी हमें यहाँ पे आधा आधा इंच का मार्जिन लेना होता है। तो यहाँ पे हम सेम इसी तरीके से मार्जिन एक्स्ट्रा यहाँ पे रखेंगे, तब हमारा यहाँ पे प्रॉपर ना पाएगा। मेरा कहने का मतलब है जब हम ज्वाइंट करेंगे तो इस पॉइंट पे हमारा ये ज्वाइंट होगा जहाँ पे मैं आपको निशान लगा करके दिखा रहा हूँ। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निशान लगा लिए हैं। बाकी जब हम यहाँ पे इस ऊपर से पीस रखेंगे और ज्वाइंट करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हैं। और अब हमें जैसे ज्वाइंट करना है तो ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे पीस आएगा हमारा ये इस तरीके से सेंटर पॉइंट में ऐसे फ्रंट में। कहने का मतलब है मेरा कि हमने डिजाइन तो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसको अटैच करने के लिए, यहाँ पे अटैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, पाइपिंग निकालनी होगी वाइट कलर की। जो मैंने वाइट फैब्रिक आपको दिखाया था उसकी यहाँ पे पाइपिंग निकाल लेते हैं। ये है हमारे पास वाइट कपड़ा, तो हम ये पीस तो बाद में अटैच करना होता है, पहले पाइपिंग तैयार करते हैं। इसमें से हम ओरे वाली पट्टी कटिंग कर लेते हैं। पट्टी की चौड़ाई तकरीबन हमारी 1.5 इंच की होनी चाहिए। यहाँ पे हम इसको जोड़ लगा के पट्टी की लेंथ बढ़ाएंगे। इस पट्टी को हम यहाँ से जो हमने जोड़ लगाया है इस तरीके से बीच से चीर लेते हैं ऐसे, और अब हम एक साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे ऐसे, यहाँ पे फोल्ड लगाएंगे और जो फ्रंट है वो सीधी साइड ऊपर की साइड रखते हुए अटैच करेंगे। यहाँ पे जितना भी आपने मार्जिन लेना है आपने ध्यान से लेना है, बिल्कुल बराबर होना चाहिए मार्जिन हमारा। तो मैं यहाँ पे एक पैर का मार्जिन ले रहा हूँ 1/4 इंच का। कोई भी पीस आपने खींचना नहीं है, हल्के हाथों से ये पट्टी अटैच करनी है।
अब हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से इसको बारीक बाहर जितनी चौड़ाई वाली पाइपिंग दिखानी होती है उस हिसाब से पाइपिंग पे सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे बारीक सी पाइपिंग आपको नजर आएगी वाइट, जो कि बहुत ही प्यारी लगेगी। यहाँ पे दोस्तों पाइपिंग हमने निकाल ली है, जो उल्टी साइड होगी आपको ऐसे नजर आएगी यहाँ पे, और सीधी साइड हमारी बिल्कुल बारीक सी यहाँ पे पाइपिंग नजर आएगी। पाइपिंग निकालने के बाद अब हमें सेंटर वाला पैच लगाना होता है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, कमीज का सेंटर पॉइंट हम यहाँ पे बना लेते हैं। निशान हमने लगाया हुआ है, अब यहाँ पे इसको सेंटर पॉइंट में ऐसे रखेंगे और इन्हीं निशानों के साथ साथ ऐसे रखते हुए सिलाई लगाएंगे। जो हमने पाइपिंग वाली सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। एक साइड से हमने यहाँ पे ये पैच अपना ज्वाइंट कर लिया है, अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी पैच को ज्वाइंट करते हैं। दूसरी साइड से भी दोस्तों हमने यहाँ पे ये ज्वाइंट कर लिया है और यहाँ पे डबल सिलाई लगा ली है ताकि ये पक्का रहे, खुले ना। सिंगल सिलाई कई बार टूट जाती है तो इसको हमें यहाँ पे डबल सिलाई में कंप्लीट करना होता है। अब हम सेंटर पॉइंट से यहाँ पे इस तरीके से ये ओपन कर देंगे, ऐसे ये हमारा ओपन रहेगा। नीचे की साइड बटन आएंगे, ऊपर की साइड यहाँ पे काज आएंगे, और यहाँ पे इसका हमें अब काटना होता है हल्ला। तो हल्ला काटने के लिए हम इस तरीके से शोल्डर से इसको यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे शोल्डर से, और ऐसे मिलाने के बाद अब हमें यहाँ पे जो ब्रॉड लेंथ काटनी है 2.5 इंच काटनी है। तो सेंटर पॉइंट से लेंगे पट्टी की सेंटर पॉइंट से, और ब्रॉड रखेंगे 2.75 इंच, और यहाँ पे डीप रखेंगे 3.25 इंच इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करेंगे। कटिंग दोस्तों हमारी यहाँ पे हो गई है और ये कुर्ता पट्टी भी यहाँ पे तैयार हो गई है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर से ज्वाइंट करना होता है फ्रंट बैग को। दोस्तों यहाँ पे हमने शोल्डर से फ्रंट बैग यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है, और हल्की सी हमें शेप देनी होती है यहाँ पे, आधा इंच जो हम एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं जब कटिंग करते हैं तो वही हमें यहाँ पे गोलाई देनी होती है। अब हमें यहाँ पे कॉलर देखना है, जो बैन पट्टी लगानी है कितने इंच की लगानी है। यहाँ पे इंच टेप हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और गर्दन का साइज भी हमें लेना होता है उसी हिसाब से हमें यहाँ पे कॉलर की लंबाई बढ़ानी होती है अगर बढ़ानी पड़े तो। टोटल ये आता है हमारा 15.5 इंच, मतलब 7.5 इंच तक यहाँ पे
हमारा ये डबल फोल्ड करते हुए साइज आ रहा है, तो हम यहाँ पे 15.5 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है पट्टी में 1 इंच का यहाँ पे ये मार्जिन आ जाता है इस तरीके से, और 14.5 इंच हमारी गर्दन की गोलाई है तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो हम यहाँ पे एक फरमे के तौर पे आपको काट के दिखाऊंगा किस तरीके से कटिंग करते हैं। जो हमने 15.5 इंच पे कटिंग करना है तो 7.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेना है, और इस साइड से 1 इंच का यहाँ पे मार्क करते हैं ऐसे। अब हमें यहाँ से धीरे धीरे हल्का हल्का सा डाउन करते हुए इस पॉइंट पे मिला लेना है, और यहाँ से जितनी चौड़ाई आपने लेनी हो उतनी चौड़ाई लेते हुए इस तरीके से हम कॉलर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वैसे कॉलर की चौड़ाई हमारी 1 इंच से 1 पॉइंट कम रहनी चाहिए। इसी निशान के ऊपर यहाँ पे कटिंग करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे कॉलर कटिंग करना होता है। तो जैसे ये मैंने फरमा आपको काट के दिखाया है, तो बुकरम का पीस भी हम सेम इसी तरीके से कटिंग करते हुए कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरीके से कॉलर अपना पेस्ट कर लिया है, जैसे हमने कटिंग करके आपको दिखाया था सेम उसी तरीके से कटिंग करना होता है और पेस्ट करना होता है। अब जो नोक वाला हिस्सा होता है उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन काट देते हैं सिलाई के साथ साथ। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से नीचे की साइड एक पट्टी रखनी है, और ऐसे बैन पट्टी रखेंगे, कॉलर को रखेंगे और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। क्वार्टर इंच का मार्जिन रखते हैं और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से हल्के हल्के कट लगाएंगे। अब बीच से इसको ऐसे पलट लेते हैं और कॉलर को प्रेस से अच्छे से सेट करेंगे। दोस्तों कॉलर हमने प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है, और सेंटर पॉइंट बनाते हुए बाहर का मार्जिन 1/4 इंच रखा है, जिस जिस साइड से हमें ज्वाइंट करना होता है। तो यहाँ पे 1/4 इंच मार्जिन रखते हुए अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट हमें इसको रोंग साइड से करना होता है, यहाँ पे ऐसे रखेंगे इस तरीके से, ताकि सीधी साइड में ये हमारा ऐसे आ जाएगा कॉलर। और यहाँ पे हल्का सा बुकरम वाला जो पार्ट होता है उसको ऊपर की साइड उठाते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी होती है। बैक साइड के दोनों कट हमारे मैच करने चाहिए सेंटर पॉइंट वाले।
एक साइड से शुरू करते हुए हमने दूसरी साइड में यहाँ पे कॉलर अपना कंप्लीट किया है। अब ये मार्जिन जो होता है इसको अंदर की साइड ऐसे डालते हैं और ऊपर से सिलाई लगाते हैं। तरीके से दोस्तों हमने कॉलर अपना यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कॉलर ज्वाइंट कर लिया है और बहुत ही सुंदर सा हमारा कुर्ती का फ्रंट डिजाइन नेक डिजाइन तैयार हुआ है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।